तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2019-20 और 21-22 यानी कि 19-20, 20-21 और 21-22 का जो सेशन वाला था, यानी सब स्टूडेंट ने अपना अपना सेशन के लिए जो अप्लाई किए थे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप किए थे, तो इन सभी का जो है एक पेमेंट वाला लिस्ट जारी हो गया है। जैसे कि इससे पहले दो लिस्ट जारी हुआ था, फाइनल लिस्ट जारी हुआ था और जो है एक स्टेटस चेक करने वाला लिस्ट जारी हुआ था, और अभी जो फिलहाल में एक नया लिस्ट जारी हुआ जो पेमेंट लिस्ट है। इस पेमेंट लिस्ट के अंदर जिसका भी नाम आ जाता है 100% है कि उसके जो अकाउंट में जो पैसा आएगा तो आएगा, और कितना रुपया आएगा वो सब भी इसमें बताया जाता है और उसका पूरा डिटेल होता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, जैसे कि जाने के बाद उसके बाद सारा फॉर्म डिटेल फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन आईडी देने के बाद भी अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है, इसका मतलब क्या होगा, तो आज की वीडियो में इसका मतलब ही बताने वाले। तो इसकी मतलब जानने के लिए हम जो आप सभी को ले चलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं पे जाके आपको सारी जानकारी देने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाला पोर्टल पे हम आ गए हैं, और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे जैसे कि देख पाएंगे रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट वाला जो है, इसी के ऊपर पे आपको यहां पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर पे हम यहां पे क्लिक कर देते हैं, और यहां पे क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। और यहां पे सबसे पहले आपको एकेडमी ईयर चुनना है कि आपका कौन सा ईयर के लिए आप जो अप्लाई किए थे। हम जो अप्लाई किए वो 21 और 22 वाला अप्लाई किए, तो 21-22 को सिलेक्ट करेंगे, और होम डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हमें अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनमें से आपका जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को क्या कर लेंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद जो आपसे यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में जो आपको अपना नाम खोजना है, खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको अपना नाम खोजना है। तो चलिए हम यहाँ पे खोज लेते हैं। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में जो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आईडी देना है। आपको एप्लीकेशन आईडी ये कहां से मिलेगा, तो एप्लीकेशन आईडी जो है हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। यहां पे फिलहाल हम अभी जो है इसमें एप्लीकेशन आईडी अपना देते हैं और आप आगे की सर्च करके जानकारी आपको देते हैं। तो एप्लीकेशन आईडी को यहाँ फिलअप कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऊपर पे क्लिक करते हैं। सर्च के ऊपर पे क्लिक करने के बाद देखिए अगला इंटरफेस किस तरह से आपके सामने आता है। तो यहाँ पे जो है रिफ्रेश ले रहा है, टाइम ले रहा है, कुछ सेकंड के लिए आपको जो वेट कर लेना है। नीचे की तरफ आना, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है, तो अब जब आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बताए तो सबसे पहले आपको जो है कम से कम आपका जो है एकेडमी ईयर और डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी और आपका इंस्टीट्यूट इसको जो सही देख लेना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन आईडी भी एक बार मिला लेना है, ठीक ना। एप्लीकेशन आईडी क्या करना है आपको एक बार मिला लेना है। अगर ये सारा चीज़ सही होता है उसके बाद भी अगर नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है तो आपको क्या करना है, फिर से जो है इसके होम पेज पर आपको आ जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद क्या करना है आपको, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे कि हम रंग को थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आना है, योर यानी वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो इस पे चलिए हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, अपना पहले सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है। स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर देना है आपको, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ईयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी ईयर होगा उस ईयर को क्या कर लेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों के माध्यम से आप अपना मंथ को सेलेक्ट करेंगे, और मंथ को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेट के ऊपर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है। तो सर्च के ऊपर पे क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, और ऊपर में आपका पूरा पर्सनल डिटेल होगा, नीचे की तरफ आपका इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, वेरीफाई है और वेरीफाई, और अंतिम में एक अभी जो है नॉट वेरीफाई है। तो इसी नॉट वेरीफाई के कारण जो मेरा वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। जब मेरा या एक्सेप्ट हो जाएगा या यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा तब जाके मेरा भी नाम उस लिस्ट में चला जाएगा। और ये जो है वेबसाइट पर जो है नोट भी लिखा गया, और कहाँ पर लिखा है वो भी आपको बताएंगे। हम आपको बताए थे एप्लीकेशन आईडी कैसे निकालना, आपको यहीं से जो इस वाले एप्लीकेशन आईडी जैसे कि देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, इसी एप्लीकेशन आईडी को जो वहां पे आपको जैसे एप्लीकेशन आईडी में आपको यहीं से फिलअप करना है, यहां से डायरेक्ट आप कॉपी करके डाल सकते हैं। तो चलिए फिर से जो है वापस से उसी वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इस वाले नोट पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ लिखा गया है कि नोट में यहाँ पे बताया गया है कि अन्य विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन चल रहा है आपका स्टेटस। जैसे कि अभी स्टेटस अभी चेक करके आपको बताए थे, स्टेटस मेरा एक जगह पे वेरीफाइड नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं हुआ, उसी कारण मेरा नोट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अन्य विद्यार्थियों का जो है वेरीफिकेशन चल रहा है, कृपया इंतजार करें अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए। यहाँ पर क्लिक करना है और चेक करते रहे, किसी प्रकार की अगर त्रुटि होता है कृपया जो इस ईमेल पर जो है जीमेल पर जो आप संपर्क करें। तो आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर आपका भी रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है इसका मतलब यह नहीं कि आपको रुपया नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपका वेरिफिकेशन चल रहा है, और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका भी इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। और यहां पे यह भी बताया गया है कि आपका बैंक अकाउंट जो एक्टिव होना चाहिए, और आपके अकाउंट में जो है
आधार लिंक होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि रेडी फॉर पेमेंट पार्लियर यानी कि एक आंशिक तरफ से जो है एक लिस्ट जारी किया गया, जिस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया उसका लिस्ट में जो है नाम जोड़ दिया जाएगा, और अन्य विद्यार्थी का वेरिफिकेशन चालू है उसका नाम अभी तक इसमें नहीं जोड़ा गया, जिसका कंप्लीट होते जाएगा और इसमें नाम जोड़ते जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने आप सभी के साथ बातें शेयर की वो सारी बातें आप सभी के समझ में जो आ गया होगा। और वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।